पार्वती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। ओम नमो भगवते रुद्राय। बगलामुखी भगवती, इन पर कई विश्लेषण कई वीडियो में मैंने डाला है और हर बात मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि बगलामुखी भगवती का और उनके मंत्रों का बहुत उपयोग है। बगलामुखी भगवती, बगलामुखी मंत्र जैसे आपके मन में आता है वैसे आपको लगता है कि शत्रु का मर्दन होगा। मैंने एक से एक उग्र हवन देखा जिसमें भर भर झोली जो है लाल मिर्च को बाएं हाथ से ओम फट बोल करके ओम हिम बगलामुखी मारियम मारिया काटिया काटिया पूछे पूछे हुम फट स्वाहा। लेकिन माँ भगवती बगलामुखी बहुत सौम्य रूपा भगवती है और आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए, आपका व्यापार वृद्धि में, आपके घर में सुख शांति रखने में भगवती बगलामुखी की बहुत अहम भूमिका होती है और उनकी पूजा हम लोगों को करनी चाहिए। हाँ, एक बात जो मैंने पहले भी निषेध किया है वो फिर बता देता हूँ कि बहुत अति उत्साह में भगवती का प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। देखो, जो 10 महाविद्या है ना, जो 10 महाविद्या में जो 10 विद्याएं हैं, विद्या क्या होती है? विद्या ज्ञान को कहते हैं, ज्ञान से पावर आता, पावर से करप्शन आता है, ठीक है। तो जब भी आप एक महाविद्या, विद्या छोड़ दो, महाविद्या के जब स्वामी बनते हो तो जितना आप इस सृष्टि से लेते हो उतना ही इस सृष्टि को आपको लौटाना पड़ता है। एक विग्रह जब आप स्थापित करते हैं तो एक विग्रह का मतलब है कि आपने एक यंत्र स्थापित कर दिया, और जब आप जागृत जीवित प्राण प्रतिष्ठित विग्रह स्थापित करते हैं इसका मतलब है कि आपने एक जीवंत यंत्र स्थापित किया है जिसमें मंत्र के जोर के अलावा प्राणवायु भी लगता है उसको चलाने के लिए। इसीलिए 10 महाविद्या की जो साधना होती है वो मंदिरों में करनी चाहिए। मैं भगवती महामाया काली माँ तारा जो भी हमारी काली कुल की भगवती है सबके मूर्तियों को घर में स्थापित करने से मना करता है। आज की साधना है अघोर बगलामुखी यंत्र को घर में स्थापित करके रखने के लिए। ये यंत्र आप अपने अनवारी में रख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि अघोर है, अघोर तो शमशान वासिनी होती है, ऐसा नहीं है। अघोर का मतलब होता है जो घोर नहीं है, घोर का मतलब होता है जो अंधकार नहीं है, जो उजाले में है वो अघोर है, जिससे डर नहीं है वो अघोर है, ठीक है। हर चीज जो इस पृथ्वी पर उत्पत्ति लेता है वो अघोर होता है और जैसे जैसे उसमें लोभ मोहन महामाया बढ़ता जाता है तो वो घोर हो जाता है। इसीलिए अघोर बगला की साधना, जो 10 महाविद्या में बगलामुखी भगवती की साधना है वो घोर और अघोर दोनों बगला की साधना है। लेकिन जब आप यंत्र इनका बनाएंगे तो ये अघोर बगला की साधना होगी और अघोर यंत्र ये होगा आपके पास। इस यंत्र को आप, यंत्र को जब आपका, आपकी पूरी साधना काल पूरी हो जाए तो इसको मोड़ करके और आप अपने अनवारी में रख सकते हैं या अपने कार्यस्थल पर रख सकते हैं जहां आपको लगता है कि आपका जोर नहीं चल रहा। ये साधना 21 दिन में पूरी की जाएगी, अगर नवरात्र रहे तो 9 दिन में, ठीक है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? पहले तो जितने दिन आप साधना करेंगे तो आप पूर्ण रूपे सात्विक रहेंगे। सात्विक रहने का अर्थ है भोजन और व्यवहार दोनों में सात्विक। ये मैं आपको इंगित कर रहा हूं, आपको समझ जाना चाहिए कि किन किन चीजों का इस कालांतर में निषेध रहेगा, ठीक है। जो सच्चे साधक हैं वो जमीन पर अपना शयन करें, जहां साधना करते हैं कोशिश करना चाहिए कि वहीं पे हम शयन करें। यंत्र की स्थापना कैसे होगी? यंत्र की स्थापना जमीन पर होगी। इसकी क्या यंत्र बनेगा? एक चौखुट 2x2 फीट का पीला कपड़ा लेंगे और उसके चारों तरफ और मध्य में पीले रंग में रंगा हुआ चावल रख देंगे, ठीक है। और इन चावलों के बीच वाले चावल पर एक सिक्का रखकर उसके ऊपर एक दीपक जलाएंगे पीले सरसों के तेल का। ये आपका यंत्र रहेगा। जो 5 टापू आपने बनाए हैं, मतलब जो चावल का 5
पांच मुट्ठी चावल जो आपने चार कोने और एक मध्यमा में रखा है, सबके पास आप नवेद चढ़ाएंगे। नवेद में फल मिठाई आप रोज चढ़ाएंगे, रोज बदलेंगे, रोज उसका आप भोग पान करेंगे। ठीक है, जो घर में नहीं कर रहे हैं साधना, जो मंदिर में कर रहे हैं या फिर कोई अलग स्थान पर कर रहे हैं, वो बगलामुखी भगवती के नाम से उनके बाएं भाग पर, मतलब यंत्र के बाएं में, आपके दाहिने में कारण प्रसाद भी चढ़ा सकता है। ठीक है, जाप जो है पीले हकीक पर बुरा, बुरा कहने का मतलब है कि वो सेकेंड ग्रेड हो गया, और हल्दी की माला पर, हल्दी की माला में भी दो ग्रेड है। फर्स्ट ग्रेड वो जो कच्ची हल्दी के गांठ ले, उसको पीले धागे में बांध बांध करके माला बनाए 108 का, नहीं तो जो रेडीमेड धागा आता है, जो रेडीमेड एक हल्दी का की माला आती है, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर होता है कि गांठों का प्रयोग करें। ठीक है, जितने देर साधना करेंगे काला आसन काला वस्त्र रखेंगे। ठीक, दिशा कौन सी रहेगी? पश्चिम के अलावा आप किसी भी दिशा में पूजन कर सकते हैं। पश्चिम में अघोर में सिर्फ लक्ष्मी की साधना होती है, बाकी किसी की साधना पश्चिम दिशा में नहीं करनी चाहिए। कुछ एक ऐसे विधान है जिसमें कि पश्चिम वर्णित होता है, तो उन साधनाओं में सिर्फ हम पश्चिम की ओर देख करके साधना करते हैं, बाकी किसी में नहीं करते हैं। ठीक है, तो दीपक आपका यंत्र के मध्य में लग गए, धूप दीप आप बाएं में रख ले। ठीक है, एक जल भरा हुआ लोटा तांबे का, उसको भी आप दाहिने में रखेंगे। पुष्प आप पांचों टापू पे चढ़ाएंगे, जो चावल पांच मुट्ठी आपने रखी है, पांचों पर आप पुष्प चढ़ाएंगे। पीला पुष्प चढ़ता है, सबसे आसान है मैरीगोल्ड यानी गेंदे का पुष्प मिल जाना। ठीक है, इतना करने के बाद जाप चालू करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, तीन बार मैं जाप बताऊंगा। ओम सौ सौ सूता समंदर टापू, टापू में थापा सिंहासन पीला, सिंहासन पीले ऊपर कौन बैसे, सिंहासन पीला ऊपर बगला मुखी बैसे, बगला मुखी के कौन संगी कौन साथी, कच्ची बच्ची का कुतिया स्वान चिड़िया, ओम बगला बाला हाथ मुगदर मार, शत्रु हृदय पर स्वार, तिसकी जिह्वा खींचे बाला, बगला मुखी मरणी करनी उच्चाटन धरनी अनंत कोटि, ओम ह्लिम ब्रह्मास्त्रय विदमहे स्तंबानय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात। फिर से सुनिए, ओम सौ सौ सूता समंदर टापू, टापू में थापा सिंहासन पीला, सिंहासन पीले ऊपर कौन बैसे, सिंहासन पीला ऊपर बगलामुखी बैसे, बगलामुखी के कौन संगी कौन साथी, कच्ची बच्ची काक कुतिया स्वान चिड़िया, ओम बगला बाला हाथ मुगदर मार, शत्रु हृदय पर स्वार, तिसकी जिह्वा खींचे बाला, बगलामुखी मरणी करनी उच्चाटन धरनी अनंत कोटि, ओम हिम ब्रह्मास्त्रय विद्महे स्तंबानय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। ओम सौ सौ सूता समंदर टापू, टापू में थापा सिंहासन पीला, सिंहासन पीले ऊपर कौन बैसे, सिंहासन पीला ऊपर बगला मुखी बैसे, बगला मुखी के कौन संगी कौन साथी, कच्ची बच्ची का कुतिया स्वान चिड़िया, ओम बगला बाला हाथ मुगदर मार, शत्रु हृदय पर सवार, तिसकी जिह्वा खींचे बाला, बगला मुखी मरणी करनी उच्चाटन धरनी अनंत कोटि, ओम हिम ब्रह्मास्त्रय विदमहे स्तंबानय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। इसमें जो कारण चढ़ाएंगे वो दूसरे लाइन में, कौन बैसे सिंहासन पीले ऊपर, कौन बैसे सिंहासन पीले ऊपर बगलामुखी बैसे के आगे लगाएंगे अघोर बगला बैसे। वहां आप बगलामुखी नहीं बोल करके बोलेंगे, अघोर बगला बैसे। जब आप इस साधना को पूर्ण कर लेंगे तो अंतिम दिन आम की लकड़ी पर घी और शहद मिला करके दशांश हवन करेंगे। ठीक है, अच्छा दशांश में संख्या क्या रहेगा, हर रोज आप इसका एक माला जाप करेंगे। ठीक है, और दशांश पहले 10 दिन का ही होगा, मतलब एक माला का ही दशांश हवन होगा। यह होने के बाद
22वें दिन सुबह में जितना सामग्री ऊपर पड़ा हुआ, प्रसाद तो आप रोज खा लेंगे, जो सिक्का पड़ा हुआ है उसको आप एक कोने पर करेंगे, जो चावल है उसको हटा लेंगे, जो नीचे का कपड़ा है उसमें चावल को रख के वो आपका यंत्र हो जाएगा, और जो चावल है उसको कुएं में विसर्जित कर देंगे। ठीक है, कुएं में ही विसर्जित करना है। और ये जो कपड़ा है ये आपके लिए सिद्ध कपड़ा हो गया बगलामुखी का, कहीं कोर्ट कचहरी हो वहाँ प्रयोग कीजिए, जहाँ आपको दबदबा बनाना है वहाँ प्रयोग कीजिए, जहाँ पे काम धंधा अटक रहा है वहाँ प्रयोग कीजिए। इसके टुकड़े करके आप इसको बांध भी सकते हैं, जिसको भूत बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा हो, ऐसे लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो इसको पूरा समुचित रख लीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि इसके टुकड़े करके आप अलग अलग समय में इसका प्रयोग करें। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो 9431188 इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। इसमें साधना का जो शुरुआती विधान है तंत्र मंत्र यंत्र, ये विद्या और भैरव जी की साधना हम आपको बताते हैं। जिनको और जानकारी चाहिए वो www.aghortantrasin पर मुझसे जुड़ सकते हैं, .com.in दोनों हमारे पास है। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ@cm4 सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। मां भगवती बगला मुखी आप सभी की रक्षा करें, आपको धन आदि दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश।